आप वहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप पास आउट हैं? पास आउट हूँ मैम। ऑलराइट, ओके। सो व्हिच कोर्स यू हैव ऑप्टेड? आपने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया था? बीटेक मैकेनिकल। ऑलराइट, ओके। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज फैकल्टी। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस टेल अस अबाउट द फैकल्टीज ऑफ योर यूनिवर्सिटी। या मैम। या आपकी यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, लाइक वो सपोर्टिव हैं या नहीं है? सपोर्टिव ही हैं। ओके, आउट ऑफ 10 आप कितनी रेटिंग देंगे फैकल्टीज को? 10 ही दूंगा। ओके, 10/10। ऑलराइट, एंड कमिंग टू द स्टूडेंट डाइवर्सिटी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम विच लोकेशन? ज्यादातर बच्चे कौन सी लोकेशन से हैं आपकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं? ज्यादातर है बिहार के, कुछ साउथ के, बेंगलोर, कर्नाटक वगैरह। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट इज बीटेक में? एग्रीकल्चर में तो लोकल है, मतलब मेरी बीटेक की ना मैंने, उसमें तो बिहार वगैरह के, जयपुर के नहीं है, लोकल नहीं। कोई फॉरेन कंट्री से स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में? नहीं, फॉरेन का तो मेरे बैच में तो नहीं थे। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट अबाउट द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक उन स्टूडेंट्स के एकेडमिक बैकग्राउंड के बिहाफ पे, वो गुड हैं, एवरेज हैं या ब्रिलियंट हैं? गुड है मैम, ब्रिलियंट तो क्या। ऑलराइट, सो आउट ऑफ 10 हाउ मच रेटिंग यू विल गिव टू द स्टूडेंट डाइवर्सिटी? 8 नंबर। 8, ओके। So, coming to the facilities, tell us about the facilities provided by the Jagannath University, like classrooms, whether they are AC or non-AC? No, non-AC. Da. Non-AC, okay. What about labs? Are they properly maintained? Haan, theek thi. Lab vagera se bahut thi. Okay. Practical vagera hote the. Ji. And what about library? Library bhi sahi hai, ma'am. Okay, and is there any health center for medical facilities? उसका कभी यूज ही नहीं, पता नहीं उसका तो, मेडिकल वगैरह का इसका कोई आज तक कोई जरूरत पड़ी नहीं। Okay, and what about sports and extra curricular activities? इसका भी नहीं पता। कोई स्पोर्ट इवेंट या फिर कोई एनुअल फंक्शन कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइज किया? ऑर्गेनाइज और में होता होगा, मतलब और यूनिवर्सिटी कराती है तो, लेकिन हमारे बनाए थे बस वही स्पोर्ट वगैरह में तो कोई नहीं था। ओके, सो आउट ऑफ 10 हाउ मच रेटिंग यू विल गिव टू द फैसिलिटीज? 8 नंबर। 8, ओके। सो कमिंग टू द अकोमोडेशन, टेल अस अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज। मैं हॉस्टल में रहने में एक्चुअली बाहर रहा था, पर मे बी आपके फ्रेंड्स या कोई क्लासमेट्स वगैरह होंगे जो हॉस्टल में पढ़ रहे हो, रह रहे हो, या तो जो हॉस्टल्स में है, लाइक उन्होंने कोई फीडबैक दिया होगा कि किस तरह का है? ठीक ही बताते, खाना वाना रहना ठीक है। तो उनके फीडबैक के बिहाफ पे आप आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगे अकोमोडेशन को? 8 मान लो उसका। 8, ओके। सो कमिंग टू द एडमिशन प्रोसेस, इज इट इजी, डिफिकल्ट और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन इन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी? नहीं मैम, डिफिकल्टी मानो एक्सट्रीम क्या। ओके, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम है अगर इसमें एडमिशन लेना हो, या डायरेक्ट एडमिशन है? मेरा डायरेक्ट ही था। डायरेक्ट, ओके। सो आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगे एडमिशन प्रोसेस को? 8 मान लो मैम। 8, ओके। सो द लास्ट पैरामीटर इज प्लेसमेंट्स, टेल अस अबाउट द प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। प्लेसमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। ओके, बता सकते हैं क्या? मैम ऐसा था एक्चुअली, मेरे दो पेपर ड्यू रह गए थे, एक थर्ड सेम में एक फिफ्थ सेम में था, मेरे दोस्त थे तो एक दो दो एक कंपनी आई थी उदयपुर से, उसका नाम मेरे को अब ढंग से याद नहीं है, उसमें बच्चे गए थे, वहाँ थोड़ी प्लेस ड्यू भी होते उसमें, तो प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ आ गए सब, खुद ही जॉब कर रहे हैं, खुद ही लगे हैं, प्लेसमेंट का लफड़ा है बस, जॉब वॉब नहीं मिली। ओके, ऑलराइट। तो कोई एवरेज पैकेज मालूम हो कितना मिला, मतलब जिनकी प्लेसमेंट हुई? मेरे हिसाब से वो तो कुछ एक दो थे और उधर गए थे, वो लौट के आगे वापस हड़ताल वगैरह हुई थी कंपनी में, तो सब बेचारे ऐसे ही लग गए, खुद श्री राम फाइनेंस में लग गया, कोई खुद के इंटरव्यू देके मतलब।
Okay. So out of 10, how much rating you will give to the placement? Placement on 4 number hi mano. 4. Okay, all right. So my last question for you is, why did you choose Jagannath University and who suggested you? University isliye choose ki thi, main saath hi saath government preparation kar raha tha. So ye tha matlab main daily nahi kar raha tha, matlab aggregate 75% attendance to rakhte hain. तो कभी कभी ऐसा था कोचिंग वगैरह करता था इसलिए कभी जॉब का भी लफड़ा था जॉब भी साथ में किसी वो लंच में आ जाता था ऐसे ओके ऑलराइट फाइन तो फिर सुल्तान के नाम है यूनिवर्सिटी का इसलिए ओके सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर सर्वे थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फीडबैक